आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि YouTube की जो 2024 में एक नई अपडेट है उसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप एक बार हमारी जरूर देखना और कमेंट करके बताना कि ये अपडेट आपको पहले से पता थी या नहीं। आप सब जानते हैं कि 1 जनवरी से हमने अपने चैनल पर कंटिन्यू वीडियो अपलोड की हैं जो कि काफ़ी आपको इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है और काफ़ी आपको नई नई जानकारी मिलेगी। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हैं। अभी आपको मैं लोकेशन दिखाता हूँ, मतलब एक बार ये दिखाता हूँ मैं कहाँ पर शूट कर रहा हूँ और मैं किस तरीके से यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसे इस तरीके की वीडियो बन रही है, बस आप इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो को देखना तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप काफ़ी अच्छे तरीके से जान सकेंगे कि अपडेट क्या है, इससे मैं क्या बेनिफिट होगा और इससे मैं क्या लॉस होगा। मैं बताता हूँ आपको क्या अपडेट है। देखिए, अपडेट से पहले तो पहले जैसे कि आप सब जानते थे, पहले अपनी वीडियो बनाते थे यूट्यूब के लिए। बनाने के बाद हमने कोई वीडियो एडिट की, एडिट करने के बाद वीडियो में कोई भी म्यूजिक लगाते थे तो वो म्यूजिक जैसे लगाते थे, जैसे कि म्यूजिक लगाने के दो तरीके होते हैं। एक तो यूट्यूब पे एक चैनल दे रखा है, उस पर से आप डायरेक्ट म्यूजिक कॉपी कर सकते हैं और लगा सकते हैं। दूसरा होता है कि यूट्यूब की लाइब्रेरी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन पर दोनों पर मेरी वीडियो बनी हुई है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब भी हम उन म्यूजिक को डाउनलोड कर लेते और वीडियो बना लेते थे तो हमारी म्यूजिक प्ले होती थी, जिससे कि वीडियो में थोड़ी आवाज़ भी अच्छी आती थी और वीडियो सुनने में या देखने में अच्छा लगता था। लेकिन YouTube ने इस बार काफ़ी अच्छी अपडेट दिया है, ये काफ़ी स्ट्रिक्ट अपडेट है। अगर आपने म्यूजिक ऐड किया है और YouTube को लगता है ये छोटा सा भी कॉपी किया, तुरंत वो कॉपीराइट स्ट्राइक दे रहा है। ऐसा क्यों बता रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 जब वीडियो अपलोड की उन पर म्यूजिक लगा के, तो उन पर तुरंत कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया और तब की मैंने कोई भी म्यूजिक किसी का कॉपी नहीं किया। जो म्यूजिक मैं पहले यूज करता था वही म्यूजिक मैंने इस साल भी यूज किया, तुरंत मुझे कॉपीराइट मिल गया। इसी के साथ मैं ये वीडियो में शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप भी वीडियो एडिट करते हैं और साथ में म्यूजिक लगाते हैं तो आप सावधान रहिए, आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिल सकता है। कॉपीराइट स्ट्राइक मिलने से आपका चैनल ग्रो नहीं होगा, इससे आपको काफ़ी लॉस हो सकता है। मैंने वीडियो एडिट की, उसमें म्यूजिक लगाया और उसे मैंने अपलोड किया तो तुरंत उसमें कॉपीराइट लग गया। उसके बाद मुझे लगा कि मैंने क्या प्रॉब्लम है, दोबारा से मैंने वीडियो एडिट करने को गया दोबारा से उसी ऐप में जिससे मैंने एडिट की, वीएन एप्लीकेशन से एडिट कैसे करते हैं उस पर भी वीडियो है, थंबनेल हो रहा है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैंने जैसे दोबारा किया म्यूजिक हटा के दोबारा से वीडियो क्रिएट करने का उसे अपलोड किया तो उसमें कोई भी कॉपीराइट लग के नहीं आया। एक बार मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। देखिए, ये दोनों वीडियो, मतलब वीडियो में आपको कॉपीराइट लग रहा है, ये बिल्कुल 2024 की अपडेट है। यदि आप यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हैं और उस पर अपलोड करते हैं, कॉपीराइट म्यूजिक किसी का भी नहीं, तब भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिल सकता है। ये वीडियो की अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो आई होप आपको ये अपडेट जानकर अच्छी लगी होगी। आपके साथ इस अपडेट को शेयर करना मेरा पर्पस था, तो आप हमें कमेंट कर देना ये अपडेट जानकर कैसा लगा। वीडियो थी आपको इस वीडियो में नोटिफिकेशन या अपडेट देने की कोशिश की, ये अपडेट जानकर कैसा लगा। YouTube की नई अपडेट 2024 में क्या रहने वाली आपको बताते रहूँगा। करना यूट्यूब से मोनेटाइजेशन के लिए हमारा एक जल्दी वीडियो आएगा, उस वीडियो को भी देखिए। यहाँ तक वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट कर। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।